इसमें मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चार कंडीशनें बताई थी। फर्स्ट कंडीशन में मैंने बोला था कि ये जो रेखा है दोनों तलों के समांतर है, दोनों तलों के तल एच पी या वी पी, ये कुछ भी मान लीजिए, एच पी समांतर वी पी के समांतर, ठीक है। दूसरी में मैंने बताया था कि एक के लंबवत है, एच पी के लंबवत है, दूसरे के क्या है, समांतर, ठीक है। और तीसरे में मैंने बताया था कि ये, तीसरे में क्या बताया था कि ये एक से एच पी से एंगुलर है और बी पी के क्या है, समांतर। चौथी वाली में मैंने बताया था कि पी पी और एच पी दोनों से क्या है, एंगुलर पर, ठीक। तो ये कंडीशनें बताई थी। आज थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली बताते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे, जिससे इस आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए एक 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 रेखा ए बी है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए उसकी डिस्टेंस है कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस। इसमें दो पॉइंट हैं ए और बी, तो वो ए पॉइंट का वो बोल रहा है कि ए बिंदु जो है एच पी से कितना, 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और बी पी से, और यही बिंदु, ठीक है, बी पी से कितना, 3 सेंटीमीटर सामने है, ठीक है। अब देखिए ये रेखा है और उसका एक, इसकी एक बिंदु जो है उसके बारे में हमें दे दिया, ठीक है। ये बाकी जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाला है वही चीज़ है। देखिए ऊपर सामने कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, फर्स्ट, ठीक, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है। तो देखिए इसे बनाते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। साथ साथ में मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में भी समझाता जाऊँगा और आपको वैसे भी कि कैसे बनाना है, ये देखिए, ठीक है। वो अभी ये देखिए ए पॉइंट है, इधर से आप क्या लीजिए, हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सबसे पहले वी पी अपॉन एच पी, ठीक है। ए बिंदु का हम क्वाड्रेंट बना सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एच पी की डिस्टेंस किस में लेंगे, वी पी में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, इसको थोड़ा सा दूर लिखिए, वी पी अपॉन एच पी, जिससे कि हमारे ये यहाँ पर एरो बना सकें। ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है वो एच पी की, बी पी की डिस्टेंस एच पी में आएगी, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस थी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, उधर पे लिख दिया। अभी बात आती है ये कौन सा क्वाड्रेंट के बारे में, कौन से पॉइंट के बारे में बोल रहा है, तो ये देखिए बी पी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक। इससे हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा हमने खींच दी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, दो दो पॉइंटों को मिला के रेखा बनी थी, तो ए और बी 7 सेंटीमीटर, तो देखिए इसी लाइन पे हम है ना इसको 7 सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर काट देंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा बी डैश और ये बी, ठीक। तो ये कंडीशन कब आई है, जब ए बी, जब रेखा जो है एच पी और बी पी दोनों के क्या हो, दोनों के क्या है, समांतर, ठीक है। वो क्वेश्चन में देगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे बताएंगे, ये देखिए ये एक रेखा थी, ये था एक पॉइंट, ये ए और ये बी, ठीक है। इसके एक पॉइंट का इसने बता दिया था कि ये इधर से, ये बता दिया था ये हाइट कितनी थी इसकी, ये देखिए ये एच पी, एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और ये वाली हाइट कितनी थी, ये सामने, ये वाली कितनी बता दी थी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट है, देखिए जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो ये जो इसकी जो डिस्टेंस है, देखिएगी डिस्टेंस किसकी है, एच पी से है, लेकिन शो केस में होगी, वी पी में होगी। तो कुल मिला के जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, तो एक प्रोजेक्शन देखिए, मैं जस्ट और अच्छे से क्लियर बताओ, एक प्रोजेक्शन है मुझे ये मिलेगा इसका, ठीक है। जब मैं ऊपर से देखूँगा तो ऊपर से देखने पे मुझे इसका प्रोजेक्शन दे देगी, इधर से इसका ये मिलेगा, एक प्रोजेक्शन मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये एच पी है तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस का हम कैसे देखें, मेन जो लाइन थी हमारी कौन सी थी, ए और बी, ये वाली, लेकिन जब हमने इसको यहाँ से देखा तो इसका प्रोजेक्शन ये हो गया,
ऊपर से देखा तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। बस मैंने क्या किया, अभी इसी को ही ओपन कर दिया, इसको अभी नीचे घुमा देंगे तो इस तरीके से प्रोफाइल बन जाएगा। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमें ये चीज़ें देखना पड़ेगी, जब दो पॉइंटों पे आते हैं तो वो क्या बोल रहा, दोनों के समांतर है, ठीक है। अब देखिए इसी वाले पॉइंट को, इसी वाली लाइन को अगर मैं, है ना, इसके अभी तो दोनों के समांतर था, अगर मैं दो एक के लंबवत कर दूं, ठीक है, तो फिर कैसे होगा, देखिए पॉइंट यही रखेंगे, ठीक। बस यहाँ पे मैं कह दूंगा कि देखो, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, वो बोलूंगा कि मैं HP के तो पैरेलल है लेकिन BP के क्या है, लंबवत है। HP के पैरेलल और BP के क्या है, लंबवत, ठीक। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ, ये देखिए ये यही कंडीशन है, इसमें HP के पैरेलल, ये HP कलर किसके कह रहा है, HP। तो ये देखिए ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये जो रेखा है आपकी, ए और बी, ये देखिए इसके पैरेलल है, ठीक है, और इसके क्या लंबवत है, यहाँ एक पॉइंट देखिएगा, ठीक। देखिए ऐसे ही है, अगर हम ये रेखा है इसको ऐसे देखेंगे तो सामने से ऐसे दिखेगा, लेकिन जब हम किसी की लंबवत देखेंगे तो हमें पॉइंट देखेंगे, यानी कि दोनों को जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक। ऊपर से जब हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से देखेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका प्रोजेक्शन मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिए यहाँ से XY, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, VP/HP, ठीक। यहाँ से पहले वाले कोऑर्डिनेट क्या कम, मैंने कंडीशन लिया था एक पॉइंट, ये देखिए पहले वाले में मैंने लिया था ये BP है, BP में HP की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट ये कौन सा पॉइंट आ गया, ए पॉइंट के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A' और यहाँ के लिखूँगा B, नहीं सॉरी A, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ए का ही बना रहा हूँ। अभी ये देखिए इसमें अभी दूसरे वाले का बनाना, तो वो क्या बोल रहा है कि BP की लंबवत है, BP की लंबवत है, तो ये देखिए इधर ही से मैं लाइन 7 सेंटीमीटर खींचूंगा, ये B हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन जब मैं बनाऊंगा ये इधर पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा B' हो जाएगा। तो ये देखिए होता कैसे, मैं एक बार और क्लियर बता देता हूँ, ये होता है जैसे अभी पैरेलल थी अभी हमारी, ठीक है, सपोज दैट पैरेलल थी, पैरेलल से जब जैसे जैसे अभी मैं इसका प्रोजेक्शन देखूंगा तो इधर से ऐसा आएगा और यहाँ से देखूंगा तो इसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं इसको ऐसे ऐसे करता चला जा रहा हूँ, एंगुलर पर लेता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब देखेंगे इसका तो जो एंगुलर है, इसका जो एंगुलर है वो तो बिल्कुल क्लियर ऐसा ही दिखेगा, ये जो लाइन है इसकी वो ऐसे ही में दिखेगी पैरेलल में, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से आप देखेंगे तो इसकी जो लाइन है, जो वास्तविक लाइन है जो ऐसी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो आपको क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। इसी में ही अब उसके बाद दूसरा वाला कर देता हूँ, बस इसमें अभी मैं इधर पे ये वाला पॉइंट था, अभी मैंने दूसरा क्या कर दिया, देखिए HP से एंगुलर और BP के पेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, यहाँ पे मैंने BP/HP लिया, ठीक, पहले वाले की पॉइंट वही है, ये A' ये ए, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, और ये और यहाँ पे जो लाइन की रेखा थी वो 7 थी, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट से एक सीधी रेखा खींची थी यहाँ से, अभी वो एंगल बोल रहा है, HP से एंगल बोल रहा है। सपोज दैट मैंने HP से एंगल कितना बना लिया, ठीक है, एंगल है किसका, HP का, लेकिन 100 किस में होगा, BP में होगा। देखिए एंगल में बना रहा हूँ इससे, ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ये ही फर्स्ट है, ये देखिए एंगल में बना किस में रहा हूँ,
एचपी से, ठीक है, लेकिन 100 गज में वो था वीपी में। तो हर एक चीज़ वही होता है कि एचपी की डिस्टेंस जो है वीपी में, वीपी की डिस्टेंस एचपी में, और एचपी का एंगल वीपी में, वीपी का एंगल एचपी में। अभी देखिए यहाँ से मैंने एक रेखा खींच ली है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस थी ये आप क्रॉस होगी तो ये जो डायमेंशन शो करने वाली रेखा है वो आप इस साइड भी दिखा सकते हैं, ये तीन। यहाँ से मैंने एक रेखा खींच ली, ठीक है, अभी वो बोल रहा है एंगल एच पी से कितना है, एच पी से एंगल 30 डिग्री, ठीक है, एच पी का एंगल मैं किस में बनाऊँगा, बी पी में। यहाँ से आप क्या करेंगे, 30 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। एच पी की रेखा कितनी थी, रेखा जो थी वास्तव में कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप त्रिकाल में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके इसको कट कर देंगे, तो ये आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, बी, ठीक है, ये आपको बी पॉइंट मिल गया। अभी इधर से ये जो लाइन निकली थी इसको छोड़, अभी ये वाले पे लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो हमारी ये वाली जो लाइन है ये देखिए, ये और एक ही ये, ठीक है, ये अपन को मिल गया बी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी ये एंगलर पे चला गया, जी देखिए एंगल पे गया तो ऊपर से देखने पे इसकी डिस्टेंस कम हो गई। अगर मैं इसका एंगल और बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये डिस्टेंस कम होती चली आई, और एंगल बनाऊंगा, अभी 30 है 60 कर दूंगा तो और कम हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये रेखा एकदम खड़ी हो जाएगी जैसे ही ये आला हुआ, तो उस समय क्या होगा कि जो दोनों पॉइंट जो हैं ए और बी एक ही पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन मैं आपको समझाने चाह रहा था कि इस तरीके से आपको ये अगर पैरेलल तो है, ये देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल तो है, लेकिन इससे तो एंगल बना रही ना, इससे तो एच पी से एंगल बना रही और इसके पैरेलल है, लेकिन जब हम इसका एंगल बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ एंगल में तो दिख रहा है एच पी से एंगल बना रहा है लेकिन बी पी में शो किया हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो ये पूरी रेखा दिख रही है क्योंकि ये एंगल में, लेकिन ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस देखिए कम होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, दोनों ये लंबत हो जाएगी तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं एक दूसरा वाला जो एक दो तीन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अभी मैं आपको चौथा वाला जो इसमें क्या होता है, एच पी और बी पी दोनों क्या है, एंगुलर, ठीक है। ओके, थैंक यू।